टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी द सोल सैंपल्स फॉर डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पी एच एंड मॉइस्चर कंटेंट एंड दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अवर एक्सपेरिमेंट लेट स्टार्ट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यहाँ हम ले रहे हैं सोल सैम्पल ए विच इज अवर गार्डन सोल फिफ्टी ग्राम हमने लिया है सैंपल ए सेम वे हम ले रहे हैं सैम्पल बी जो है रोड साइड सॉइल और वो भी हमने लिया है 50 ग्राम तो 50 ग्राम सैम्पल एंड 50 ग्राम सैंपल बी इसके लिए हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे ये हमारी वैल्यू हो गई है एक्स की वेट ऑफ सॉइल एक्स वैल्यू 50 ग्राम नाउ अब हम लेंगे टू मेजरिंग सिलेंडर्स हमने टू मेजरिंग सिलेंडर लिए हैं उनके ऊपर हम फनल को एडजस्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट विल टेक द फिल्टर पेपर हम फिल्टर पेपर को लेंगे और फिल्टर पेपर को आपको फोल्ड इस तरीके से करना है कि उनका तीन साइड्स जो हैं वो एक साइड पे रहे और जो वन साइड है वो एक साइड पे रहे इस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे इसे हमारी फ़नल के अंदर और आफ्टर एडजस्टिंग द फिल्टर पेपर वी विल पोर दिस सैम्पल ए गार्डन सॉइल इन द फिल्टर पेपर और फनल ये हमने फनल में डाल दिया है इसी तरीके से हम नेक्स्ट फनल के लिए भी फिल्टर पेपर को फोल्ड करेंगे और उस फनल में लगाएंगे सेम वे में आपको फ़िल्टर पेपर फोल्ड करना है ध्यान से फोल्ड करिएगा कि वो इस तरीके से फोल्ड हो कि तीन साइड एक तरफ और वन साइड एक तरफ ही रहे अब हम इसमें डाल रहे हैं सॉइल सैंपल बी जो हमारा रोड साइड सॉइल है ये हमने डाल दिया है इसके अंदर नाउ अब हम लेंगे फिक्स वॉल्यूम ऑफ वाटर फिक्स वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हमने यहाँ पे लिया है दैट इज़ अवर 50 एम वाटर 50 एम वाटर हमने लिया है इसे हम पोर कर रहे हैं सैंपल ए के अंदर गार्डन सॉइल के अंदर बहुत आराम से पोर करना है बी केयरफुल कि हमारा जो वाटर है वो सॉल्ट से होता हुआ ही जाए फिल्टर पेपर के साइड से ना होके जाए एंड वी विल पोर दिस 50 एम वाटर इन द फिल्टर पेपर ऑफ़ सोल्ट सैंपल ए सेम वे वी विल टेक 50 एम वाटर फॉर सैंपल बी यहाँ पे भी हम 50 एम वाटर ले रहे हैं और उसे हम सैंपल बी में पोर कर रहे हैं यहाँ पे पोर करने के बाद व्हेन यू पोर द कंप्लीट 50 एम वाटर यू हैव टू लीव इट इसके बाद हम उसे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जब तक ही वाटर फनल से बाहर आना शुरू ना हो खत्म ना हो जाए आप देख रहे हो यहाँ पे फनल से वाटर बाहर आ रहा है जब ये खत्म हो जाए देन वी विल ऑब्जर्व द रीडिंग आफ्टर सम टाइम यू कैन सी नाउ वाटर इज स्टॉप कमिंग आउट फ्रॉम द फनल वाचर अब बाहर नहीं आ रहा वी कैन टेक द रीडिंग नाउ तीनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर एंड फाइनली वी कैन गेट द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल्स फॉर एक्सैम्पल ए एंड फॉर सैम्पल बी नाउ एक्सपेरिमेंट टू इज द पी एच ऑफ सॉइल सैंपल्स फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वी हैव टेकन टू डिफरेंट सॉइल सैंपल्स एंड वी विल टेक सम अमाउंट ऑफ सॉयल इन टू द वाटर यह हमने एक पानी के बीकर में कुछ अमाउंट में सैंपल ए और सेम वे में कुछ अमाउंट सैंपल बी का एक दूसरे बीकर में डाला है इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे वी आर स्टूरिंग इट विद दिस ग्लास रोड इसे अच्छे से मिक्स करके हमने छोड़ दिया है उसके बाद अब हम इस वाटर को फिल्टर करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ़िल्टर पेपर्स तो मिक्सिंग करने के बाद अब हम देख रहे हैं कि ये अच्छे से मिक्स हो गया है दोनों ही सैंपल सैंपल ए और सैंपल बी नाउ लेट्स डू द फिल्ट्रेशन अब फिल्टर करने के लिए सेम वे हमें फ़िल्टर पेपर लेना है फिल्टर पेपर को फिर से हम उसी तरीके से फोल्ड कर रहे हैं और वी विल प्लेस इट इन द फनल हम इसे फनल में एडजस्ट करेंगे वही तरीका आपको अपनाना है यहाँ पे आफ्टर एडजस्टिंग दिस फिल्टर पेपर इन टू द फनल्स वी विल पोर दिस वाटर मिक्सड विद दिस सॉयल इन दि फिल्टर पेपर्स तो ये हमारी दोनों फनल्स में फिल्टर पेपर एडजस्ट हो गया है और साथ में अब हम सैंपल ए और सैंपल बी दोनों ही वाटर को हम इसमें पोर कर रहे हैं फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वी रिक्वायर द फिल्टर्ड वाटर हमें ये फिल्टर्ड फिल्ट्रेट जो नीचे फॉर्म होगा हमें वो चाहिए सो दिस इज़ फॉर सैम्पल ए एंड अनदर वन इज दिस सैंपल बी सेम वे हम सैंपल बी को भी डाल रहे हैं यहाँ पे फिल्टर पेपर में एंड वी विल टेक द पी एच स्ट्रिप्स ये है हमारी पी एच स्ट्रिप्स जिस और साथ में पी एच इंडिकेटर भी है पी एच स्ट्रिप्स को अब हम फिल्ट्रेट के अंदर डिप करेंगे फॉर सैंपल ए एंड फॉर सैंपल बी बोथ तो सबसे पहले सैंपल ए यहाँ हमने पी एच स्ट्रिप को इस फिल्ट्रेड वाटर के अंदर डिप करना है इसे हमने डिप करने के बाद कुछ देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे सेम वी विल रिपीट विद द सैंपल बी यही चीज हम सैंपल बी के साथ करेंगे विद द अनदर पी एच स्ट्रिप दिस इज अवर अनदर पी एच स्ट्रिप एंड विल डिप इट इन टू द फिल्ट्रेट ऑफ सैंपल बी विच इज अवर रोड साइड सॉल्व सो आफ्टर डिपिंग इट वी विल मेक इट टू ड्राई थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ेंगे देन वी विल ऑब्जर्व द पी एच विद द पी एच इंडिकेटर यू कैन सी दिस इज फॉर सैंपल ए सैंपल ए इज द एसिडिक इट शो एजिक पी एच वेयर एज द सैम्पल बी विच इज रोड साइड सोल्व इट शो द न्यूट्रल पी एच ये हमें न्यूट्रल पी एच शो कर रहा है नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री दिस इज आवर थर्ड एक्सपेरिमेंट फॉर दिस अगेन वी हैव टेकन टू डिफरेंट सोल्व सैम्पल सैम्पल ए एंड सैम्पल बी एंड दिस इज अवर अनदर रिक्वायरमेंट्स ट्राईपॉड वायरमैस क्रोसीबल्स एंड द लैम्प दिस थिंग्स वी रिक्वायर फॉर दिस एक्सपेरिमेंट यहाँ हमने अगेन फिफ्टी ग्राम फिफ्टी ग्राम सैम्पल ए एंड फिफ्टी ग्राम सैम्पल बी लिया है वी पोर्ट दिस सैम्पल्स इन टू द क्रूसिबल्स इन्हें हम क्रूसीबल्स में डालेंगे एंड देन वी विल प्लेस इट इन सच ए वे इस तरीके से हम इसे चाय पोड पर एडजस्ट करके रख देंगे जैसे कि आप देख सकते हो ये हमने सैंपल ए डाल दिया है सेम वे हम सैंपल बी भी क्रूसिबल्स में पोर कर रहे हैं एंड देन वी विल कीप द स्प्रिट लैम्प्स हेयर स्प्रिट लैम्प्स हम यहाँ पे रख रहे हैं और स्प्रिट लैम्प्स को ऑन करने के बाद वी हैव टू हीट इट इन सॉल सैंपल्स को हमें हीट करना है कुछ टाइम के लिए इन्हें हिलाते हुए हीट करते रहना एंड आफ्टर हीटिंग फॉर फ्यू टाइम जब हमें लगे कि ये ड्राई हो गए हैं हम इसे छोड़ देंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे आफ्टर द कूलिंग इट वी विल टेक द फाइनल वेट ऑफ दॉल सैंपल्स हमने फिफ्टी ग्राम लिया था उसके बाद हम फाइनल वेट लेंगे उसे ऑब्जर्वेशन टेबल में पोर राइट right करेंगे नाउ यू कैन सी द फाइनल वेट फॉर दिस सैंपल एट पॉइंट दोनों ही सोल्ड सैंपल के हमने फाइनल वेट्स ले लिए हैं और इनका इनिशियल वेट के साथ अब हम डिफरेंस निकालेंगे एंड दैट विल बी द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सैंपल्स। एज यू कैन सी द गार्डन सोल्स शो द हायर डिफरेंस बिकॉज दे हैव हायर मॉइस्चर कंटेंट देन रोड साइड